नमस्कार, मैं विनोद कुमार विनोद की रसोई से आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुनी सिरका। आइए इसके देख लेते हैं बनाने की सामग्री और विधि। सिरका बनाना है हमें। सिरका बनाने की सामग्री है आपका 100 ग्राम हरी मिर्च, जिसको हमने धो के काट लिया है। ऊपर से ये ढक्कन इसका, इसमें इसमें सिरका भर जाएगी इस तरह। सभी मिर्चें मैंने काट ली, और करीब 100 ग्राम ही लहसुन लिया हमने, इसको भी हमने छील लिया है। और कच्चे आम है, जिसको हमने छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है, और जामुन का सिरका है, और एक जार लेंगे और थोड़ा सा तेल। इन सभी को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा। पहले तेल को हम हल्का गरम कर लेंगे। अब इसमें लहसुन डालेंगे। इन सभी को हम हल्का ही भूनेंगे। ये सिरके वाली लहसुन बहुत ही पसंद करते हैं गर्मियों में, और इसका स्वाद ही बहुत अच्छा होता है। और जो हम सिरका लेंगे वो जामुन का लेंगे। फ्राई करने से ये होता है कि इसका लहसुन का कच्चापन जो हल्का कम हो जाता है। अब हमारा लहसुन हो चुका है, इसमें हम हरी मिर्च, हरी मिर्च और ये आम के टुकड़े, ये कच्चा आम देंगे हम। इसको भी हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते समय हम तेल बहुत ही थोड़ा लेंगे, ज़्यादा तेल नहीं लेना है। अब ये भुनने के बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे। इस अचार को करीब करीब के साल भर इसको रख सकते हैं। अब ये हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, बिल्कुल ठंडा हो गया। अब इसको हम जार में डाल देंगे। अब इसको हम जार में भरेंगे। जार हम साफ करके धो लेंगे, और इसको सुखा भी लेंगे। और इसके लिए हम कांच का ही जार लेंगे, प्लास्टिक में नहीं रखेंगे। अब इसमें हम जामुन का सिरका डालेंगे। नमक हम इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नमक डालने से इसमें इसका स्वाद चेंज हो जाता है। और नमक जब हमें खाना हो तो उसको कटोरी में निकाल के नमक हम तब ऐड करेंगे, काला नमक या सफ़ेद नमक जो भी है। इसको ऊपर तक हम इसको भर देंगे। लीजिए, तैयार है लहसुनी सिरका अचार। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।